हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन. व्हाई इज अ पर्सन विद सच एन अपीयरेंस कंपेयर्ड टू अ बेकर. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जिस भी इंसान की जैकफ्रूट जैसी अपीयरेंस होती है, जैकफ्रूट मतलब कटहल जैसी, मतलब ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे से मोटा, मतलब कि यहाँ पे इंसान के पेट की बात की जा रही है, और ऐसी अपीयरेंस वाले लोगों को बेकर से क्यों कंपेयर किया गया है. हेयर द की कॉन्सेप्ट इज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस सिग्निफिकेंस. मतलब जैक फ्रूट के जैसे दिखने वाली अपीयरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है. आ जैक फ्रूट अपीयरेंस मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ अ प्लम्प फिजिक एंड अ राउंड बैली. एनी पर्सन विद सच एन अपीयरेंस इज कंपेयर्ड टू अ बेकर बिकॉज In the good old days, baking was a profitable profession and a baker used to be a prosperous plump man with a happy family and servants. तो बच्चों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो जैकफ्रूट जैसी अपीयरेंस वाले लोग होते हैं, वो प्लम जैसी फिजीक होती है उनकी और राउंड बैली होती है. कोई भी पर्सन जो इस अपीयरेंस का होता है, उसको बेकर से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय, मतलब जो वो पुराने और अच्छे दिन थे, उस टाइम जो बेकिंग है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता था और काफ़ी वेल्दी भी होते थे लोग उसकी वजह से. तो बेकर जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस होते थे, प्लम्प होते थे, और उनकी बहुत ही अच्छी खुशहाल फैमिली होती थी और उनके पास सर्वेंट्स भी होते थे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.